चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 60 छात्राओं के नहाने का वीडियो हुए वायरल। यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने 60 छात्राओं के नहाने का वीडियो बना के शिमला में किसको भेजे? आखिरकार यूनिवर्सिटी का एक लड़की बाकी लड़कियों का नहाने का वीडियो बनाई क्यों? और इतना अश्लील वीडियो बना के वो शिमला में किसको भेजी? नहाती हुई लड़कियों का वीडियो क्यों बनवा रहा था शिमला में बैठा आरोपी? दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी मचा है कोहराम और इसको लोग, नेता, मंत्री सब की है इसका ऐलान। पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से वायरल हो रहा वीडियो दोस्तों इंडिया में हर किसी को हैरान कर दे रहा है। यूनिवर्सिटी का एक लड़की ने दोस्तों बाकी 60 लड़कियों का नहाने का वीडियो बाथरूम में जाके बनाई है जो कि अभी सोशल मीडिया में वायरल होते जा रहा है। जैसे ही इस वीडियो दोस्तों वायरल होते गया और पुलिस तक भी पहुंच गया, उनमें से दोस्तों 8 लड़की ने खुदकुशी करने का भी कोशिश कर ली है, जिसमें से 2 लड़कियों का हालत जरूरत से भी ज्यादा खराब हो गया करके पुलिस और डॉक्टर ने बता रहे हैं। दोस्तों रविवार रात के 2 बजे से ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पूरा कोहराम मच गया है। छात्राओं ने दोस्तों बहुत बड़े दंगे के साथ वहाँ पे प्रदर्शन शुरू कर दिया है और तब दोस्तों पुलिस को जब पता लग गया, पुलिस ने दोस्तों आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर ली है। आरोपी लड़की को पूछताछ करने के बाद दोस्तों ऐसी कहानी सामने आई है जिसको जान के आप भी हैरान हो जाएंगे। मोहाली के SSP ने दोस्तों लड़की को पूछताछ की तो लड़की ने यह बताई कि शिमला में बैठे लड़के को वो भेजने के लिए वो वीडियो बना रही थी। पहले दोस्तों SSP क्या बोलते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सुनिए, उसके बाद दोस्तों हम आगे का कहानी आपको बताएंगे। जहाँ पे कि कोई वीडियो बनाया गया है बाई अ गर्ल एक स्टूडेंट की तरफ से, और वो वीडियो जो है उसके रिगार्डिंग कुछ र्यूमर फैल गया था कि वो वीडियो कुछ और लोगों का भी बनाया गया है, तो उसके बेस के ऊपर यहाँ पे कुछ बच्चे जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक FIR रजिस्टर कर दी गई है और जो अक्यूज है उनको हम अरेस्ट कर चुके हैं। लड़का शिमला का था उसको भी अरेस्ट कर लिया। सेक्शन 354 हालांकि दोस्तों SSP लोग सुसाइड वाली बात को टाल रहे हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो बना के भेजने वाले बात को पकड़ लिए हैं। आरोपी लड़की ने दोस्तों हॉस्टल के जो बाथरूम है वहाँ पे दोस्तों बाकी 7 लड़की जब नहा रहे थे तब दोस्तों वहाँ पे जाके वो वीडियो बनाकर शिमला में बैठे लड़के को भेज रही थी, और आखिरकार शिमला से ही दोस्तों ये वीडियो बाहर वायरल होते जा रहा है जो कि एक बड़ा इशू बन गया है। पुलिस का बोलना अभी ये है कि दोस्तों शिमला में बैठे लड़के की तलाश के लिए अभी मोहाली से पुलिस निकल चुका है। दोस्तों आप लोग को मैं अभी ये बता दूं कि जिस लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस लड़की ने वीडियो को वायरल किया है, उन छात्राओं दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के MBA डिपार्टमेंट के छात्र हैं। आरोपी छात्रा के बारे में ये बताऊं कि दोस्तों वो एक ही बार नहीं, उससे पहले से ही बहुत बार लंबे समय से वीडियो बनाकर शिमला में बैठे लड़के को वीडियो भेज रहे थे। असल में दोस्तों बाकी लड़कियों ने आरोपी छात्रा से ये पूछा कि वो वीडियो क्यों बना रही थी, क्या उस पर कोई दबाव था? इस पर दोस्तों आरोपी छात्रा ने ये बताया कि जिस लड़के के लिए वो वीडियो बना रहे थे और उनको वीडियो भेज रहे थे, आखिरकार वो लड़के को नहीं जानते हैं। आरोपी छात्रा को दोस्तों बाकी लड़कियों ने जब हॉस्टल में ज्यादा ही डरा दिए तब दोस्तों आरोपी छात्री ने शिमला में बैठे वो लड़के की फोटो भी दिखा दिए हैं। अब पंजाब पुलिस दोस्तों उस बात की तहकीकात कर रही है कि आखिरकार उस शिमला में बैठे लड़के ने ये वीडियो मंगाकर रोका था क्या था, उसके पीछे दोस्तों ऐसा क्या मानसिकता थी कि एक लड़की के ऊपर दबाव डाल के बाकी लड़कियों के नहाने का वीडियो वो मांग रहा था। दोस्तों आप लोग को मैं अभी ये बता दूं कि पंजाब में आम आदमी का सरकार है। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों अपने ट्विटर के माध्यम से ये बताया कि यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने कई छात्राओं की आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल किए और ये बेहद रंगीन और शर्मनाक है, इसमें शामिल सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जो पीड़ित बच्चे हैं वो हिम्मत रखें, हम आपके साथ हैं और सभी संयम से काम होगा। तो पंजाब सरकार के जो शिक्षा मंत्री है हरजोत सिंह ने वो अपील करके ये बताया कि छात्राओं ने कृपया करके शांति बजाय रखें, जो भी दोषी है हम उनको नहीं छोड़ने वाले हैं। पुलिस ने दोस्तों देखा जाए तो हर एंगल से जांच शुरू कर चुकी है। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को मैं ये बता दूं कि अपना साइबर इंटेलिजेंस जो है दोस्तों वो भीड़ चुकी है कि जो भी वीडियो दोस्तों अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके भी डिवाइस में है उसको तुरंत ही डिलीट किया जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को मैं यही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।